आबिद के शतक पर पानी फेरा। ऑस्ट्रेलिया ने 6 रन से जीत दर्ज की। दुबई पाकिस्तान के आरबिद अली के पदार्पण मैच में शतक और मोहम्मद रिजवान के करियर के दूसरे सेकड़े के बावजूद ऑस्ट्रेलिया ने आखिरी ओवर तक चले चौथे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में शुक्रवार को यहां 6 रन से जीत दर्ज की। पाकिस्तान के सामने 278 रन का लक्ष्य था और वह अली के 112 और रिजवान के 104 रन से इसके करीब पहुंच गया था, लेकिन आखिर में ये दोनों शतक बेकार चले गए क्योंकि वह मार्कस स्टोइनिस के आखिरी ओवर में जीत के लिए जरूरी 17 रन नहीं बना पाए। इस जीत से ऑस्ट्रेलिया ने 5 मैचों की श्रृंखला में 4-0 से बढ़त हासिल कर ली है। श्रृंखला का आखिरी मैच रविवार को दुबई में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ग्लेन मैक्सवेल 98 केवल 2 रन से करियर का दूसरा शतक बनाने से चूक गए। उस्मान ख्वाजा ने 62 और एलेक्स कैरी ने 55 रन बनाए, जिससे ऑस्ट्रेलिया ने 50 ओवर में 7 विकेट पर 277 रन बनाए। अली और रिजवान ने चौथे विकेट के लिए 144 रन जोड़कर पाकिस्तान की जीत की उम्मीदें जगाई, लेकिन 42वें ओवर में एडम जंपा ने अली को पवेलियन भेज दिया, जिससे पाकिस्तानी परी लड़खड़ा गई। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से नाथन कूल्टनाइल सबसे सफल गेंदबाज रहे, उन्होंने 53 रन देकर 3 विकेट लिए।